हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन अब स्टार्ट हो चुका है और जैसा आप सभी जानते हैं डेली बेसिस पर ये हम शो लेके आते हैं आपके लिए, जहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, अपडेट्स होते हैं पूरे दिन के, वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके साथ, ताकि अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, SSC, रेलवे, इंश्योरेंस या UPSC एग्जाम की, तो उसके अंदर आने वाले करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर सके। तो इसीलिए हमारा ये इनिशिएटिव है बेसिकली डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स डिस्कस करने का। बट थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, हम मंडे टू फ्राइडे ये शो लेके आते थे, जबकि सैटरडे को पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम क्विज की फॉर्म में MCQ वाइज डिस्कस करते थे। बट बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने कहा कि सैटरडे को भी आप ये शो लेके आया करें, जबकि क्विज को संडे को डिस्कस करा करें। तो हम यही देखिए शेड्यूल फॉलो भी करने वाले हैं। ये शो जो है करंट अफेयर्स का, ये मंडे टू सैटरडे आएगा, जबकि संडे को क्विज फॉर्म में यानी MCQ के क्वेश्चंस हम पूरे वीक के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब वो करना क्या, देखिए सिंपली हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना है, और अगर आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है लगातार अपडेट भी मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला कल की इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कि गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। तो जितने भी देखिए परमानेंट कमीशन जो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, अब उनको जो वुमेन ऑफिसर उनको परमानेंट कमीशन जो है दे दिया जाएगा। इसको लेके देखिए काफी टाइम से केस भी चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कुछ टाइम पहले इस पे जजमेंट दिया था, और अब जो है गवर्नमेंट ने इस पे जो है इसे फाइनली सैंक्शन भी कर दिया। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन द फॉर्मल सैंक्शन लेटर फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू द वुमेन ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी। और इससे बेसिकली क्या होगा, और बड़े रोल्स जो है लार्जर रोल्स इनको ऑर्गेनाइजेशन में मिल पाएंगे वुमेन ऑफिसर्स को, और इससे देखिए कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट भी होगा और ज्यादा लोग जो एस्पायरेंट्स है जो इंडियन आर्मी में वुमेन सर्व करना चाहती है वो भी आगे ज्यादा नंबर में आएंगी। और इससे देखिए द ऑर्डर स्पेसिफाइज ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर्स इन ऑल द 10 स्ट्रीम्स ऑफ द इंडियन आर्मी। और July 7 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक महीने में आप इसको फॉलो करें, इस कोर्ट के ऑर्डर को, जो कि काफी पहले आ चुका था, बट इसका देखिए लॉकडाउन लग गया। तो फाइनली अब गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी कर दिया है इस परमानेंट कमीशन जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको इंडियन आर्मी के अंदर। तो ये काफी अच्छी ये न्यूज है, और फाइनली जो इस पे आगे भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे आप एक विजुअल भी देख सकते हैं ये परेड में वुमेन ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं कल का, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली जो है फाउंडेशन स्टोन ले किया है फॉर मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, और ये अराउंड देखिए 3,050 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया कल। और देखिए बेसिकली द सेंटर इनिशिएटेड द जल जीवन मिशन टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट क्वांटिटी ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड ऑफ द कंट्री बाय 2024 विद द मोटो हर घर जल। तो देखिए बेसिकली ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जल जीवन मिशन के तहत कि हर घर में जो है साफ पीने लायक पानी, टैप वाटर जो पहुंचाना, और 2024 तक की जो है इसकी डेडलाइन रखी गई है, और उसके तहत जो है ये मणिपुर में ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है। अगर बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये इवेंट हुआ था सिटी कन्वेंशन इम्फाल के अंदर, जिन्हें मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर एट प्रेजेंट एन बीरेन सिंह वो भी वहां पे प्रेजेंट थे, मणिपुर की जो गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी वो भी थी, और MLAs और मिनिस्टर्स भी वहां पे मौजूद थे, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में ही रहकर वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया। अगर बात करें देखिए तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया इसके लिए फंड अंडर जल जीवन मिशन टू मणिपुर फॉर FHTC, यानी जो टैप के थ्रू ही पानी पहुंचाना। ठीक है, अभी तक क्या देखिए बहुत सारे लोग बाहर बाल्टियों से पानी लाते हैं, बट अब कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा घरों तक जो है पानी टैप वाटर पहुंचाया जाए। तो उसके लिए जो है ये 3,050 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किया गया, जिसके तहत 1,185 हैबिटेशंस को इससे सपोर्ट मिलेगा, और 1,42,000 से ज्यादा हाउसहोल्ड्स को जो है घर पर ही पानी पहुंचाने का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये देखिए कल का विजुअल है जब उन्होंने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है UPI ऑटो पे फीचर टू एनेबल ऑटो डेबिट ऑफ रेकरिंग पेमेंट्स। ठीक है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फर्दर देखिए जो उनका UPI का आपको पता है जो हम यूज करते हैं, जितने भी अगर हम बात करें भीम ऐप हो गया, फोन पे, पेटीएम, जो हम UPI के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, वो बेसिकली उसे पीछे से कौन गवर्न करता है एक तरीके से मैनेज करता है, वो है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उसने बेसिकली UPI ऑटो पे फीचर अब लॉन्च कर दिया है ताकि ऑटो डेबिट हो पाए आपकी रेकरिंग पेमेंट्स का। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपका डेली बेसिस पे जैसे आपके खर्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको EMI पे करनी है
तो क्या है कि आप ऑटो डेबिट फीचर अगर लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो है, फॉर एग्जांपल जिस भी डेट को आपको ईएमआई देनी होती है या और भी कोई बिल देना होता है तो उसी डेट को वह ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। तो आपको बार बार देखिए मैनुअली प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फैसिलिटी के साथ जो है बेसिकली कस्टमर एक ई मैंडेट दे सकते हैं उस यूपीआई, जिस भी यूपीआई एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उसके थ्रू रेकरिंग पेमेंट, जैसे आप मोबाइल बिल्स पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ईएमआई की पेमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए जो आप पैसा देते हैं, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, लोन पेमेंट्स, जो भी है बेसिकली अगर 2000 तक की है तो देखिए आप बेसिकली उसका ई मैंडेट दे सकते हैं। अगर 2000 से ज्यादा है तो कस्टमर्स को जो है हर बार जो है मैंडेट देना पड़ेगा विद यूपीआई पिन, ठीक है, एग्जीक्यूट एवरी मैंडेट विद यूपीआई पिन। और इसमें देखिए आप चाहे इसकी मैंडेट की वो टाइम भी सेट कर सकते हैं, वन टाइम, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, नाइटली, मंथली, बाय मंथली, क्वार्टरली, वो देखिए डिपेंड करता है आपकी कितनी, आपकी हिसाब से जो है पेमेंट आप कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल बिल्स हमारा ऑन एन एवरेज जो है 10-15 महीने के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपने महीने का पैक लगवाया तो हर महीने आपको करवाना पड़ता है, तो जो भी चीजें देखिए रिपीटिटिव नेचर की है तो उसके लिए आप ई मैंडेट जो है वो दे सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा जो है उतना डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और इसके आपको एक बार यूपीआई पिन को जो है लिंक भी कराना पड़ेगा अकाउंट के, तो ही आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे, ऑटो पे फीचर को, ठीक है। तो ये एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि काफी सारा देखिए पूरा ये यूपीआई का सिस्टम यही देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, जो कि देखिए एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसी का ही बेसिकली इंश्योरेंस का काम देखते हैं, जनरल इंश्योरेंस का। तो उन्होंने पीसी कंडपाल जी को जो है एमडी और सीईओ की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया है। और ठीक है, तो अगर बात करें तो देखिए इससे पहले ये डिप्टी सीईओ थे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ही सिंस जून 2019, और अब वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं, बेसिकली भूषण महापात्रा को, ठीक है, जिन्हें देखिए अब अपॉइंट कर दिया गया है डायरेक्टर की पोस्ट पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स में, क्लियर है। तो उसके बाद देखिए क्योंकि ये पोस्ट खाली हुई तो इसके लिए इन्हें किन्हें अपॉइंट किया गया, प्रकाश चंद्र कंडपाल जी को। इनके अगर बात करें तो देखिए 33 साल से ज्यादा का इनका करियर रहा है बैंकिंग और के फील्ड में, जहां पे इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया है, चाहे हम बात करें रिटेल, इंटरनेशनल बैंकिंग, एचआर, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो एसबीआई का पूरा म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है उसके को भी इन्होंने एक तरीके से ऑपरेट किया हुआ है। तो ये देखिए इनका फोटो है, ये पीसी कंडपाल जी की। और आखिरी आज का देखिए हमारा अपडेट है, ये देखिए ये भी कल की न्यूज है कि यूएस ने ऑर्डर किया है कि वो जो चाइनीज काउंसुलेट है ह्यूस्टन में प्रेजेंट, उसको बंद करने जा रहे हैं, क्लियर है। तो चाहे द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ द चाइनीज काउंसुलेट इन ह्यूस्टन। ये देखिए काफी बड़ा स्टेप है, ठीक है। और इसी तरीके से अभी जो रिसेंटली न्यूज आ रही है कि इसी तरीके से चाइना ने भी जो है यूएस का जो काउंसुलेट प्रेजेंट है चाइना के अंदर उसको बंद करने का डिसीजन लिया है। और देखिए क्यों यूएस ने ये सबसे पहले एक्शन लिया, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मॉर्गन ओर्टेगास, उन्होंने देखिए कहा कि जो क्लोजर इसीलिए हम इसे बंद कर रहे हैं क्योंकि वहां पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा था और अमेरिकन जॉब्स पे कहीं ना कहीं उसे थेफ्ट, एक थेफ्ट था एक तरीके से, और अदर इग्रीगियस बिहेवियर एक तरीके से उन्होंने कहा, एंड टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उसके लिए जो है इसको डिसीजन को लिया गया है कि चाइना के जो कॉन्सुलेट प्रेजेंट है हाउस्टन के अंदर उसको बंद किया जाए। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ये क्यों डिसीजन लिया गया उसके बारे में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहा था कि जो चाइना के बेसिकली हैकर्स है उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कोविड-19 वैक्सीन के उसको कहीं ना कहीं चुराया है, स्टोल किया है, और इट हैज ऑल्सो बीन एलिजेड दैट दे स्टोल ट्रेड सीक्रेट्स फ्रॉम कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। और देखिए लगातार उन पर ये देखिए लगता रहता है एलिगेशन चाइना पर, और फाइनली जो है कि बड़ा स्टेप यूएस ने लिया है कि उनके चाइनीज कॉन्सुलेट जो ह्यूस्टन में प्रेजेंट है उसको बंद किया जा रहा है। और अभी देखिए जो न्यूज आ रही है तो चाइना ने भी जो अमेरिका का वहां पे प्रेजेंट था चाइना में कॉन्सुलेट उसको बंद करने का डिसीजन लिया है। और देखिए काफी टाइम से देखिए यूएस और चाइना के रिलेशन आपको पता है, खासकर जब से ये कोरोना वायरस फैलना स्टार्ट हुआ है तब से देखिए यूएस चाइना के रिलेशन, उसका देखिए इंडिया चाइना के भी जिस तरीके से रिलेशन चल रहे हैं तो वो देखिए काफी अच्छे नहीं है। तो अब देखिए इसमें जो भी अपडेट होता है वो मैं आपको जरूर आपको बताऊंगा आने वाले करंट अफेयर्स के सेशन में, ठीक है। ये वहां का देखिए बेसिकली बिल्डिंग है जो अभी तक था प्रेजेंट बट अब इसको बंद कर दिया गया है, क्लियर है। और इसी तरीके से चाइना ने भी ये डिसीजन लिया है उनका यूएस का बंद करने का, क्लियर है। तो ये था आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया अब हम मंडे टू सैटरडे ये शो लेके आएंगे, जबकि संडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम संडे को क्विज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप डेली देखेंगे हमारे शो तो ही देखिए आप ज्यादा से ज्यादा क्विज के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। और देखिए 10 से 12 मिनट का हम टाइम लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते, तो आई होप सो वो आप इजिली निकाल सकते हैं इतना टाइम, तो ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Thank you.